जनरल टिकट वाले, बिना टिकट वाले सब एसी कोच में घुसे हुए मस्त आराम से कोच। ये दो मालगाड़ी एक बनकर चलती हैं, काफी लेंथ हो जाती है भैया। फिर वॉशरूम जाने में परेशानी हो रही, तो वहाँ तो मूड खराब हो गई ना। ट्रेन नंबर 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि बिहार के राजगीर को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1100 किलोमीटर कवर करती है 20 घंटे 35 मिनट के समय में, और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 53 किलोमीटर पर आवर की। और आज श्रमजीवी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं पटना से नई दिल्ली के बीच। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। कौन सा बिस्कुट लेना है, दे देना भैया एक, ठीक ले जाइए। तो अभी हमें पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पे, और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस आ गई है। भीड़ देखो भाई साहब, जनरल में लोग बाहर तक किस तरीके से टंगे हुए हैं। इस ट्रेन के जनरल में बहुत तगड़ी भीड़ रहती है, लोग बाहर तक इस तरीके से टंग के ट्रेवल करना पड़ता है लोगों को। ये हाल है, ये हो गया जनरल। और अभी ये देखो स्लीपर कोच, देखो स्लीपर में भी इसी तरह की भीड़ है, एकदम बाहर तक टंगे हुए हैं लोग। बाकी ये लो आ गया अपना कोच। आज इस ट्रेन के हम लोग थर्ड एसी में ट्रेवल करने वाले हैं, कोच है अपना B1। और B1 कोच को जो है इकोनॉमी कोच है भाई साहब, थर्ड एसी में टिकट बुक किया हुआ था लेकिन इकोनॉमी कोच दे दिया है। और नॉर्मली इकोनॉमी कोच आपको देखने को मिलेगा M1 M2 से, लेकिन यहाँ पर B1 लिखा हुआ है इन्होंने इकोनॉमी कोच में। ये देखो इकोनॉमी कोच है और कोच अपन को दिया है B1 भाई साहब। बाकी आगे की कहानी हम बताएंगे आपको, टिकट किस में किया, सीट किस में दी, ये सब पहले बोर्ड कर लेते हैं। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस का। भाई अभी अपने कोच में आए हैं और बाकी लगभग 21 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आई थी राजेंद्र नगर, और 21 मिनट की देरी से ही निकले हम लोग राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी भाई साहब अभी उतरने के लिए भीड़ देखो बड़ी तगड़ी, इस साइड भी और उस साइड भी, जानते हो भाई साहब इस साइड क्या चलता है। जनरल टिकट वाली पब्लिक आपको मिलेगी एसी कोचेस में, जनरल टिकट लेके ट्रेवल करते हैं एसी कोचेस में, तो इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी इस साइड की सभी ट्रेन में। भाई साहब प्लेटफॉर्म पे उतरना चढ़ना जिसकी सीट हो वही परेशान हो जाए इन लोगों के चक्कर में। ये देखो कंडीशन भाई साहब इस गाड़ी के एसी कोचेस में जनरल बना दिया एकदम, यहाँ भी वहाँ भी पूरा जनरल कोच बनाया हुआ है। फिर तो यहाँ पर तगड़ी है। बाकी अभी ऑनलाइन हमने खाना मंगाया हुआ था इस ट्रेन जर्नी की स्टार्टिंग में ही, तो ये लो अपना खाना आ गया है। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन और पटना जंक्शन की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर। अब आपको इस टाइम जब भी एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है, सुबह 8:05 पे निकलती है राजगीर रेलवे स्टेशन से और नेक्स्ट डे सुबह 4:40 पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली। बाकी ट्रेन में भाई साहब भीड़ तो बड़ी तगड़ी हो रखी है, जनरल कोच वाले और जनरल टिकट वाले, बिना टिकट वाले सब एसी कोच में घुसे हुए मस्त आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पर पटना जंक्शन पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 10:20 का यहाँ पर आने का टाइम है और 10:30 में यहाँ से निकलने का टाइम था। और खाने का भाई ऐसा हिसाब किताब है, वैसे पेंट्री तो इस ट्रेन में आपको मिलेगी, पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, पेंट्री कार की सर्विस मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ है। आगे जर्नी बताएंगे क्यों, अभी फिलहाल ये देखो जितनी भी भीड़ थी पूरी एडजस्ट हो गई है ट्रेन के अंदर एसी कोचेस में। अब देखते हैं आगे जर्नी में क्या होने वाला है भाई साहब। एक तो इकोनॉमी कोच दे दिया है जबरदस्ती में थर्ड एसी में बुक करने के बाद भी, ऊपर से इकोनॉमी कोच की हालत देखो, इतने टाइम अंदर खड़े होने की जगह नहीं, वैसे ही तो इसमें जगह नहीं होती।
पटना जंक्शन से तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है, बाकी लंच के लिए दो चीजें यहाँ पर मंगाई हुई थी, एक तो छोले राइस और साथ में सत्तू पराठा दही के साथ। चलो ये सब ओपन करते हैं, आपको दिखा देते हैं भाई कैसा क्या आपको मिल जाएगा पटना जंक्शन पे खाने पीने के ऑप्शंस। तो लंच में यहाँ पर दो चीजें हमने मंगाई हुई थी, एक तो है अपना ये छोले राइस का कॉम्बो और साथ में सत्तू के पराठे के साथ एक दही का कॉम्बो। ये दोनों चीजें पटना जंक्शन से ही ऑनलाइन हमने ऑर्डर की हुई थी ट्रेन में डायरेक्ट। ब्लॉक कर दिया। अरे उतर तो जाने दो भाई साहब, वो रुक जाओ वो आंटी, देखो 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 भाई साहब, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ओ उतरने दो यार पहले, उतर आगे आगे से ओ, अरे उतरने दो यार इनको, समझ ही नहीं आ रहा पागल, उतरना है यार, समझ नहीं आ रहा है। अरे इनको उतर जाने दो यार, ओ भाई साइड हो जा यार, ओ ओ भाई ओ, हेलो उतरने नहीं दोगे किसी को, उतरना है यार, तू क्या कर रहा हूँ, निकल जान दो भाई इनको, निकलो भाई, अरे रुक तो जा, अगला आदमी उतर नहीं पाएगा, बूढ़े हैं तो बहुत जवान दिख रहे हैं आपको, बहुत जवान दिख रहे हैं, देखो उनका बैग। तो अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे आरा जंक्शन पे तीन इंपॉर्टेंट लाइन आकर मिलती है, एक आती है पटना से, एक जाती है मुगलसराय होती हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय होती हुई दिल्ली के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है ससाराम रेलवे स्टेशन की। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का होल्ड है। अभी देखा भाई साहब लोग ऐसे पागल हुए, मतलब जनरल टिकट वाले भी ऐसा समझते हैं ऐसे पूरा बुक कर लिया है रेलवे को, पूरा एसी को सब बुक कर लिया है, इनने घर की खेती है इनकी, इस तरीके से चल रहा है कि एक अंकल को उतरना था और एजेड अंकल थे, बूढ़े थे, उनके पास लगेज वगैरह भी था, दो बैग था, उनको उतरने ही नहीं दे रहा, दे धक्का परेशान कर दिया, ऊपर से चीला चिट्टी चिल्लाना, हद से हद है भाई यहाँ पर, मतलब चढ़ना एसी कोचेस में रिजर्वेशन कोचेस में भी इतना मुश्किल है जितना जनरल में भी ना हो, ऐसा हाल है भाई यहाँ पर। बाकी अभी जो हमने लंच मंगाया हुआ था, हम आपको टेस्ट बता देते हैं, जो छोले और चावल थे तो उसमें छोला काफ़ी ज़्यादा तीखा था तो वो उतना सही नहीं था, लेकिन हाँ आप यहाँ पर सत्तू पराठे वगैरह ट्राई कर सकते हो, वो मंगा सकते हो, सही है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर हमने बताया 5 मिनट का हॉल्ट है, आधे से ज़्यादा टाइम तो यही गेट पर लड़ाई और बहस में चला गया, खैर उन अंकल को तो उतरवा ही दिया, हम भी उतर के आ गए, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, नहीं तो कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब इस जर्नी में, ऐसे बुरे हाल है। तो 5 मिनट का होल्ड था, लेकिन लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और सामने ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये आ रही है सासाराम की साइड से, लगता है पटना के लिए जा रही होगी, पैसेंजर ट्रेन है, खैर बोर्ड वगैरह तो कुछ भी लगा ही नहीं है इस पर, देख के पता लगे कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है ये ट्रेन। Thank you.
तो ये भी आ गए हैं अपर बर्थ पे, सीट करके एक्सचेंज। अपर बर्थ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होती है यार, इकोनॉमी क्लास में तो जरा भी नहीं, यहाँ बैठना ही बड़ा मुश्किल है फिलहाल। चलो थोड़ा सा चादर वादर बिछा लेते हैं। पेट्रोल जो है अभी स्टाफ हम लोगों को दे ही गया था, लेकिन इसमें वही है अपना हैंड टॉवल जो है वो मिसिंग है, मंगा लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो आधे घंटे की देरी से अभी अपनी ट्रेन पहुंची है बक्सर रेलवे स्टेशन, और इस ट्रेन के जो हॉल्ट है ना भाई साहब बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम ये जो अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस है इसको पैसेंजर ट्रेन का दर्जा दिया हुआ है एक हिसाब से। ये देखो पटना से ट्रेन चली फुलवारी शरीफ दानापुर बीता आरा भिया डुमराव बक्सर गमर दिलदार नगर, मतलब पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक लगभग 9 स्टॉप्स हैं इसके, जगह जगह ये ट्रेन रुकती है, एकदम पैसेंजर ट्रेन है भाई, समझ लो जो पैसेंजर ट्रेन चलती है वही बनी हुई है। एसी कोच हो नॉन एसी कोच हो सब बराबर है इस ट्रेन के लिए, कोई मतलब नहीं है एसी नॉन एसी का। अभी फिलहाल तो हमको लग रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ऐसे ही चलेगा इसका पूरा, लोकल पैसेंजर लोकल बनती है एकदम। खैर बक्सर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड था, सिग्नल अभी हो गया है यहाँ से निकलने का। कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई जर्नी स्टार्ट होते ही इतनी सारी चीज़ें हम दिखा देते हैं कई बार कि ये हो रहा है वो हो रहा है ये दिक्कत वो दिक्कत, तो मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी ही स्टार्टिंग से दिखा दी, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। कई बार क्या होता है कि जर्नी में मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जैसे मान लो आप टिकट करके निकले और ट्रेन आई तो ट्रेन में घुसने में आपको परेशानी हो रही है, अपनी सीट तक पहुँचने में परेशानी हो रही है, फिर वॉशरूम जाने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ तो मूड ख़राब हो गई ना, क्योंकि एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा क्राउड आपको अपने रिजर्वेशन कोच में भी देखने को मिलेगा, तो फिर मूड ख़राब होगा ही। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम दिखाते हैं भाई कि एक तो क्राउड इतना ऊपर से हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम नहीं जा पा रहा है इंसान, तो वहाँ पर गुस्सा आती है। तो अभी बस अपनी ट्रेन एंटर कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और उससे पहले ये देखो लाइन से यहाँ के लोकोमोटिव WAP-4 लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं इतने टाइम शेड में। तो ये जो आप मालगाड़ी देख रहे हो ना भाई, ये नॉर्मल मालगाड़ी नहीं है, इसकी लेंथ जस्ट डबल है, ये एक मालगाड़ी यहाँ कंप्लीट हो गई, इसके आगे एक और मालगाड़ी इसमें अटैच की हुई है, तो ये दो मालगाड़ी एक बनकर चलती हैं, काफ़ी लेंथ हो जाती है भाई, लगभग 120-130 कोचेस के साथ।
अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट को पड़ता है। वैसे अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी आपको एक चीज बता देते हैं भाई, हमने इस ट्रेन में टिकट जो बुक किया था वो किया था 3rd AC कोच में, 3rd AC में किया था। लेकिन जब चार्ट बनाया तब हमारे पास मैसेज आया है कि आपका टिकट जो है वो दोबारा से रीअलॉट किया गया है और 3rd AC इकोनॉमी में आपको डाल दिया गया है। और इस ट्रेन में ऐसी चतुराई भी की गई है ना कि नॉर्मली आपको वैसे इकोनॉमी क्लास जो है M1 M2 इन नंबर से देखने को मिलेंगे, लेकिन अपनी ट्रेन में संजीवी एक्सप्रेस में जो इकोनॉमी क्लास लगाया गया वो B1 ही लगा दिया, डायरेक्ट B1 लिख दिया है कि मतलब कोई को पता ही नहीं लगे, धीमे से इकोनॉमी में पैसेंजर को डाल दें। वाह भाई साहब वाह, मतलब हद हो गई। अब इसके लिए क्या ही करेंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है रेलवेज ने TDR फाइल करने का। आप TDR फाइल करो, उसके बाद जाके महीना 1.5 महीने में वो पैसे रिफंड आते हैं। जो डिफरेंस होता है ना अपर क्लास और लोअर क्लास का, दोनों क्लासेस का जो डिफरेंस होगा वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा 1-1.5 महीने बाद। इतना लंबा प्रोसेस रहता है। तो कई लोगों को तो पता ही नहीं है भाई किस तरीके से आप रिफंड वगैरह अपना क्लेम कर सकते हो। तो TDR फाइल कर सकते हो, उसमें आपको रीजन मिलेगा कि अपर क्लास से लोअर क्लास पे आपको शिफ्ट किया गया है इस वजह से, तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो वो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो किसी से करवा लो, लेकिन आपका इसमें डिफरेंस अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन यार ये बहुत गलत सिस्टम है। अगर कोई पैसेंजर 3rd AC में बुक कर रहा है उसको जबरदस्ती पटक रहे हो इकोनॉमी क्लास में, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना कि पैसेंजर की मर्जी नहीं है, आप उसको जबरदस्ती उसमें पटक रहे हो, उसके बाद 1.5 महीना बाद उसको पैसे दोगे और डिफरेंस ही क्या है, 70-60 रुपये उसके चक्कर में 1.5 महीने तक इंतजार करता रहे पैसेंजर। बहुत गंदा सिस्टम अभी कर दिया है ये इकोनॉमी क्लास ला के एकदम। एक तो इकोनॉमी में जगह होती नहीं है, ऊपर से भरते हुए चलते हैं इस रूट पे, तो ट्रेन में पता ही आपको किस तरीके से भर के चलते हैं, सांस लेने की जगह नहीं मिलती। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको फ्रूट्स वगैरह के तो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल मिलेंगे ही, साथ में ये जो स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर भी खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ये थाली वगैरह भी है और बिरयानी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं है भाई, DDO रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। कभी कभी जर्नी की स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि खुद का भी मूड बहुत आउट हो जाता है, लेकिन अभी ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अभी ये तो चल ही रहा है हिसाब किताब। अब अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करते हुए अब आगे की जर्नी हम लोग करते हैं। बाकी भी काफ़ी हद तक क्राउड कम हो गया है, और ये जो क्राउड है ना आपको मिलेगा DDO रेलवे स्टेशन तक, DDO से पहले बक्सर वगैरह तक मिलेगा और DDO तक पूरा एंड हो जाता है। DDO तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, किसी भी क्लास में ट्रैवल कर लो, 3rd AC कर लो, 2nd AC कर लो, इकोनॉमी क्लास कर लो, सब बर्बाद होके चलता है। और वो जो हमने मालगाड़ी दिखाई थी 2 की 1 वाली, वो भी हम लोगों के साथ पैरेलल निकल रही है DDO जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वो देखो वो वही मालगाड़ी है जो 2 की 1 बनाई हुई है, पूरा कोयला भरा हुआ है इस मालगाड़ी में। DDO निकलने के बाद भाई साहब एक ऐसा ब्रिज निकलता है ऊपर से, ट्रैक निकलता है ऊपर, आप ये जो लाइन देख रहे हो ये लाइन आती है प्रयागराज की साइड से और जाती है DDO के लिए, और अभी हम लोग भी DDO से आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ से क्रॉस होती है ऊपर नीचे से, प्रयागराज और वाराणसी वाली, अभी हम लोग वाराणसी वाली लाइन पर ही आगे बढ़ रहे हैं।
भाई साहब बहुत देर आउटर में रुकी। अभी जो हम लोगों ने ब्रिज पार किया ना, वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज था, और बाकी अभी आउटर में बहुत देर रोक रखा ट्रेन को। लेट तो चली रही है अभी, लगभग 29 मिनट में, आधा घंटा समथिंग लेट हो ही गई है अभी। और ये आउटर में देखो अभी क्रॉसिंग हो रही है अपनी साबरमती एक्सप्रेस के साथ। किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 28 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन। बात करें अगर वाराणसी की, तो ये अपने साड़ीज, हैंडक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ट्रेन जो है थोड़ा बहुत सही चल रही थी, मतलब यहाँ तक अपने डीडी होता 2 मिनट डिले थी, उसके बाद यहाँ तक आते आते बहुत लेट हो गई। जबकि टाइम अच्छा वाला दे रखा है, लगभग 50-55 मिनट दी हुआ है इस ट्रेन को डीडीयू से वाराणसी आने में, और डिस्टेंस है मात्र 18 किलोमीटर डीडीयू रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन का। लेकिन ट्रेन उसमें भी लेट हो गई, क्योंकि आउटर में रोक के रखा होता है। इस रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है ट्रेन का। स्लीपर क्लास की हालत तो भाई साहब बद से बदतर होती ही जा रही है इस जर्नी में। अब जो है एसी क्लास तो ठीक है, लेकिन स्लीपर में क्राउड जबरदस्त है, पूरा क्राउड स्लीपर क्लास का है। मतलब जनरल टिकट वाले भी घुसते हैं, और जिनका रिजर्वेशन है वो तो बेचारे परेशान होते ही हैं। तो 10 मिनट का होल्ड था अपनी ट्रेन का, और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे काफी सारे स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी मंगाना है आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी फूड अवेलेबल है। और फूड की एक कहानी अभी हमने आपको नहीं बताई है, वो हम बता देते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ फॉरनर्स वगैरह है, तो इनको जो है अपना ट्रेन का नहीं पता लग रहा था, इनको जाना है पटना कोटा एक्सप्रेस से। फॉरनर्स वगैरह थे, ये थे कोरिया से, दो मतलब लड़कियां नहीं थी, ये परेशान हो रही थी और लोगों से पूछ रही थी अपना टिकट दिखा के कि क्या है, कब आएगी ट्रेन, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो अभी हमने देख दाख के उनको बढ़िया तरीके से बता दिया। पीछे की साइड आपका कोच आएगा, फर्स्ट एसी की बुकिंग है इन लोगों की फर्स्ट एसी कोच में, और यहाँ से ये लोगों को जाना है आगरा। तो इनका टिकट है पटना कोटा एक्सप्रेस में, तो इसके बाद अपने पीछे ही चल रही है वो ट्रेन, तो इसके बाद आएगी। तो सारी चीज़ें हमने उनको बढ़िया समझा दी चली गई। यहाँ पे कोई बता ही नहीं पा रहा था भाई, और टूरिस्ट इंडिया में परेशान हो ये तो भाई सही चीज़ नहीं है। आप लोगों को भी मौका मिले तो टूरिस्ट वाले भाई अपना नाम देश का जो है ना खराब नहीं हो, लोगों को पता चले कि हाँ इंडिया में भी बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है इस ट्रेन में खाने पीने की, हम आपको बता देते हैं कि जब ट्रेन इधर से आती है ना राजगीर से सुबह, तो आपको दिन के टाइम लंच में सिर्फ बिरयानी मिलेगी, वेज बिरयानी, एग बिरयानी, मील प्रॉपर नहीं मिलेगी। और सेम ऐसा ही है दिल्ली से आती है जब ये श्रमजीवी एक्सप्रेस, तो लंच के टाइम में आपको वेज बिरयानी और एग बिरयानी वगैरह ही मिलेगा, प्रॉपर मील नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ था पेंट्री होने के बाद भी। अब शाम को डिनर में इस ट्रेन की पेंट्री का हम लोग खाना फिर ट्राई करेंगे। 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी जंक्शन से। अभी वाराणसी निकला है, और उसके बाद देखो बिल्कुल एक्सेस भीड़ नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरी सफाई हो गई है ये समझो। और कोच में भी एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा है इतने टाइम, तो सही है। ये दिक्कत आपको थोड़ा सा डीडीयू और वाराणसी जंक्शन तक देखने को मिलेगी, ज़्यादा एक्सेस भीड़ वाली, बाकी तो फिर उसके आगे तो ठीक ही है अभी फिलहाल तो।
शाम का बज रहा है 5:26। वैसे अपनी जो ट्रेन है ना अभी लगभग 50 मिनट डिले चल रही है, और हमारी जो सीट है आज वो थी मिडिल पर, 45 नंबर थी इकोनॉमी क्लास में, लेकिन हमने फिर वो एक आंटी थी उनने एक्सचेंज कर ली, उनने ले ली और नीचे वाली मिडिल ले ली एक दूसरे लड़के ने, और हमने ले ली अपर। अपर सीट पे अब बैठ के खाना पीना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी शाम का समय है तो इस ट्रेन में आपको शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स में मिल जाएगा पनीर पकौड़ा और साथ में, और अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रेड कटलेट मिल जाएगा, ब्रेड कटलेट 40 का, पनीर पकौड़े का मिलेगा आपको प्लेट 50 रुपये की, इसमें 5 पीस मिलेंगे, और साथ में देखो हम दिखाते हैं टोमेटो केचप है और फ्राइड ऐसी मिर्ची मिल जाएगी आपको इसके साथ में, ये ऐसी फ्राइड मिर्ची ये ले सकते हो आप। चलो टेस्ट करते हैं, वैसे अभी तक पेंट्री से कुछ भी खाने पीने का लिया नहीं है सुबह से, अभी ये टेस्ट कर लेते कैसा है। सही टेस्ट है वैसे, और मिर्ची बहुत तीखी है एकदम जबरदस्त। तो ट्राई कर सकते हो आप इस ट्रेन का, पनीर पकौड़ा बढ़िया है। ऐसे हमने कई बार सुना हुआ है कि इस ट्रेन का पनीर पकौड़ा वाकई में अच्छा है, सही है। किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 44 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग अभी सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, 64 ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप। और वैसे सुल्तानपुर जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती हैं। एक तो आती है अपनी वाराणसी से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक जाती है लखनऊ के लिए, इससे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, एक लाइन आके मिलती है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से, और एक लाइन आके मिलती है प्रयागराज से। इसलिए ये जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे 2 मिनट का हॉल्ट था लेकिन अभी 5 मिनट हो गए, ट्रेन अपनी खड़ी हुई है आराम से। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद काफी बढ़िया जो है एक शार्प कर्व आता है और उस पर ट्रेन का व्यू बड़ा ही जबरदस्त। ये देख रहे हो अपना इल्लू भाई भी दिख गया है, WAP 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है अपनी ट्रेन में। सो 5 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 37 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन लखनऊ का बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। वैसे लखनऊ में आपको बहुत सारे और भी रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, और इस रेलवे स्टेशन में टोटल अभी फिलहाल 9 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, 2 और प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप लखनऊ में हैं और लखनऊ मेट्रो से आप आना चाहते हो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, तो आपको मेट्रो मिल जाएगी लखनऊ के, आपको चारबाग मेट्रो स्टेशन आना है, जो कि भाई आपको बिल्कुल स्टेशन के सामने ही है, बस आप मेट्रो से उतरो और सामने आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेन की पेंट्री का खाना नहीं खाना है तो आप ऑनलाइन खाना भी मंगा सकते हो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, काफी सारे ऑनलाइन रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप खाना वगैरह मंगा सकते हो, साथ में स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ मिलेंगे आपको जहाँ से आप पानी और भी स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। तो इस रूट से लखनऊ से होते हुए जो भी ट्रेन जाती हैं दिल्ली के लिए, ज्यादातर ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाती हैं, लेकिन अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस का रूट जो है अलग है, ये कानपुर से होके नई दिल्ली नहीं जाती है, ये जाती है शाहजहांपुर मुरादाबाद होते हुए न्यू दिल्ली के लिए, और अभी उसी रूट पे हम लोग डाइवर्ट हो गए हैं लखनऊ के बाद।
अभी यहाँ से अपनी ट्रेन चलिए डायरेक्ट रुकेगी शाहजहांपुर, नॉन स्टॉप रन रहने वाला है शाहजहांपुर तक। तो इस ट्रेन की पेंट्री से ही हमने डिनर ऑर्डर दिया हुआ था और डिनर आ चुका है अपना। वेज मील मंगाई हुई थी, ये 80 रुपये की मील है, बस पैकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, इस ट्रेन में आपको मिलेगा। आलू की एक सब्जी है इसमें, साथ में है दाल और चावल अचार और यहाँ पर ये रोटियाँ। सही है, दाल का टेस्ट सही है एकदम। आलू की जो सब्जी है इसका टेस्ट भी सही, और एक चीज़ बढ़िया है, एक तो हमारा कोच बिल्कुल पेंट्री की जस्ट बगल वाला है तो यहाँ पर खाना जो है एकदम गर्मा गर्म आया है, क्योंकि बगल में है तो फटाक से आ गया तो गर्मा गर्म आ गया। और बाकी भाई अपर सीट पे बैठ के खाना पीना खाना बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन क्या करेगा, यही यहीं बैठ के चल रही है जर्नी तो यहीं खा लेते हैं फटाफट से खाना। भाई साहब ये जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्टार्टिंग में ही हो गई, उसके बाद फिर मज़ा आ नहीं रहा था जर्नी में इतना ज़्यादा, और मतलब ठीक है जो भी चीज़ें थी। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है कुछ ही देर में, उसका इंतज़ार कर रहे हैं मस्त। यहाँ पर कोच अटेंडेंट वाली सीट पर बैठे हैं, देखो कितनी ऊँचाई पर, और मस्त म्यूज़िक सुन रहे हैं, गाने सुनने का भाई मज़ा अलग है। कहीं कहीं जब मूड खराब हो मस्त हाई बेस वाले गाने सुनो और मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। एक दो गाने और सुनते हैं जब तक अपना आ जाएगा शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सात सौ 70 किलोमीटर की जर्नी करके हमने निर्धारित समय से 25 मिनट देरी से ये आ चुके हैं हम लोग शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो इंपॉर्टेंट तीन लाइन आकर मिलती है, एक आती लखनऊ से इससे हम लोग आ रहे हैं जाती है, एक लाइन मुरादाबाद के लिए इसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले, और एक लाइन पीलीभीत के लिए यहाँ से अलग हो जाती है। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो भाई जब पैसेंजर्स देख रहे हो आप आगे की तरफ दौड़ते हुए, अब इस ट्रेन में क्या है कि जब ये पटना से दिल्ली के लिए जाती है तो आगे की साइड सारे नॉन एसी कोचेस रहते हैं, जनरल है या फिर स्लीपर, सारे आगे रहेंगे और एसी के कोचेस रहेंगे पूरे एंड तक। तो अब जो लोग पीछे खड़े हुए थे नॉन एसी कोचेस के लिए वो भाग भाग के आगे की साइड जा रहे हैं। तो भाई साहब शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल गए हैं, वो अगला हॉल्ट है 71 किलोमीटर बरेली पे, लगभग 12 बजे ट्रेन पहुंचेगी, रात का अभी 11:15 हो ही गया है। गेट करते हैं लॉक और चलते हैं अब सीधा सोने के लिए। पूरे कोच में ही सन्नाटा है, सब पैसेंजर सो गए, अपन भी अब चलते हैं सोने अपनी अपर बर्थ पे। अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग फाइनली आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन की जर्नी जो है ठीक रही, लेकिन वही है कि जब तक ट्रेन बिहार में रही मतलब DDU से पहले तक बहुत ज़्यादा क्राउड रहा, वहाँ थोड़ा सा इशू रहा। और बाकी साफ़ सफाई की बात करें तो कोच में साफ़ सफाई सही थी, वॉशरूम में साफ़ सफाई सही मिलेगी आपको इस ट्रेन में, ये तो सही है, और खाने का टेस्ट भी एकदम बढ़िया, तो ये सारी फैसिलिटी तो बढ़िया है इस ट्रेन की। बाकी ये जर्नी का एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा ओवरऑल, आपको कैसा लगा ये जर्नी ब्लॉग कमेंट जरूर बताना। और वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हो लेकिन अभी भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो, करना है भाई सब्सक्राइब इस बार ठीक है ना। और बाकी इंस्टाग्राम का यूजर आईडी यहाँ पर है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी पोस्ट करते रहते हैं, तो
चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।